गॉडज़िला को सभी मॉन्स्टर्स का राजा माना जाता है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ ये नहीं है कि ये सभी काइजू में सबसे ताकतवर है, बल्कि ये राजा इसलिए है क्योंकि इसे पता है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहां और किस लिए किया जाए। हालांकि मॉन्स्टर वर्स की दुनिया में ऐसे कई काइजूज मौजूद हैं जो कि एक गॉडज़िला को भी हराने की क्षमता रखते हैं, मगर सभी ताकतवर काइजूज में कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत को दुनिया बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। खैर, आज के इस वीडियो के टाइटल में जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स की जो अपनी ताकत से गॉडज़िला को भी हराने की काबिलियत रखते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। मोथरा। हालांकि मोथरा किसी पर जल्दी से हमला नहीं करती, लेकिन इसे मार पाना भी नामुमकिन है क्योंकि ये अमर है। अगर किसी तरह से ये मारी भी जाती है तो फिर से ये अंडों को हैच करके निकल सकती है, और अपने लार्वा के रूप में ये अपने दुश्मनों पर सिल्क के जाल फैलाकर उसे पकड़ सकती है। एक बड़े आकार के मौत बनने के बाद ये अपने एंटीना से एनर्जी बीम से भी हमला कर सकती है, और अपने स्केल्स की सहायता से ये अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए पैरालाइज कर सकती है। तो जब कभी इसका सामना गॉडज़िला से होगा, जो कि ये गॉडज़िला पर तब हमला करेगी जब गॉडज़िला धरती को नष्ट करना चाहता होगा, क्योंकि मोथरा भी इंसानों की रक्षक है, तो ये इंसानों को बचाने के लिए गॉडज़िला से भी लड़ने से पीछे नहीं हटेगी, और इस बात की भी उम्मीद है कि ये गॉडज़िला को हरा दे, भले ही इसे गॉडज़िला को हराने के लिए 2 से 3 बार ही जन्म क्यों न लेनी पड़े। रॉडेन भी मोथरा की ही भांति गॉडज़िला का दोस्त है। हालांकि एक बार जिलियंस के द्वारा ब्रेन वॉश करने के कारण रॉडेन ने गॉडज़िला को भी मारना शुरू कर दिया था, पर वास्तविकता में रॉडेन गॉडज़िला का इतना अच्छा दोस्त है जिसने गॉडज़िला की जान बचाने के चलते अपनी लाइफ एनर्जी गॉडज़िला में ट्रांसफर करके खुद का बलिदान दे दिया था। लेकिन रॉडेन की खूबियों पर नजर डाले तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये गॉडज़िला को काफी कड़ी टक्कर दे सकता है, या कुछ केस में तो ये गॉडज़िला को हरा भी सकता है। अगर इसकी खूबियों की बात करें तो इसके पास है कई टन वजन को लेकर उड़ने की क्षमता, एटॉमिक हीट रे, यूरेनियम हीट बीम और रेडियो एक्टिव की धुंध को फैलाने की एबिलिटी, यहाँ तक कि ये अपनी पंखों की मदद से शॉक वेव क्रिएट कर सकता है, और इसके पास सबसे डेडली हथियार है लाइफ एब्जॉर्प्शन, यानी ये अपने आसपास मौजूद जीवों से उसकी जिंदगी को सोख कर अपने घायल शरीर को ठीक कर सकता है। एंगिरस को आप गॉडज़िला का पहला दुश्मन कह सकते हैं, क्योंकि साल 1954 में जब गॉडज़िला मूवी आई थी तब उस समय गॉडज़िला का दुश्मन इंसान हुआ करते थे। वहीं साल 1955 में आई गॉडज़िला मूवी में हमें एंगिरस नामक मॉन्स्टर को दिखाया गया। ये दिखने में काफी हद तक एंकिलोसोरस की तरह लगता है, और हर्बीवोरस एंकिलोसोरस की भांति इसका शरीर भी आर्मर्ड से लेस है, और इसके शरीर से मजबूत कांटे भी निकले हुए हैं जिसकी मदद से ये खुद को तो बचाते ही है, लेकिन इस पर हमला करने वालों को भी ये काफी नुकसान पहुंचा बैठते हैं। वहीं इसकी खास खूबियों की बात करें तो ये अपने मुंह से सोनिक रोर निकाल सकता है, जिससे इसके दुश्मन को फिजिकली काफी चोटें आ सकती है। इसके अलावा इसके शरीर से निकले कांटों पर पैरालाइजिंग जहर पाए जाते हैं, यानी इसका कांटा लगते ही इसका दुश्मन हिलडुल भी नहीं पाएगा। हिडोरा। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि कीचड़ से बना ये दानों ने भी गॉडज़िला को लगभग हरा ही दिया था। जब धरती पर ये एलियन इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन काफी हद तक बढ़ गई थी, और ये पॉल्यूशन को खाकर और भी ताकतवर बनता जा रहा था। शुरुआत में तो गॉडज़िला ने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे हिडोरा अपने आकार को बढ़ाता रहा और इसने उड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब हिडोरा अपने ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के रूप में आया तब गॉडज़िला इस पर टूट पड़ा, लेकिन इस लड़ाई में हिडोरा की एसिड अटैक और बिजली से हमला की वजह से गॉडज़िला की एक आंख और दाहिना हाथ बुरी तरह से जल गया। वो तो शुक्र था कि इंसानों ने गॉडज़िला की मदद की, वरना गॉडज़िला ये लड़ाई हार जाता। म्यूटो प्राइम। गॉडज़िला मूवी में गॉडज़िला ने फीमेल म्यूटो और मेल म्यूटो को मार दिया था, लेकिन म्यूटो अपने प्राइम फॉर्म में सामान्य म्यूटो से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। म्यूटो प्राइम भूकंप ला सकता है जिससे वो अपने दुश्मन को सीधे निशाना बना सकता है,
और जिस तरह गॉडजिला के पास एटॉमिक ब्रेथ है, ठीक उसी प्रकार म्यूटो प्राइम के पास सोनिक रोर है, जिसकी मदद से ये गॉडजिला के डॉर्सल प्लेट को डैमेज कर सकता है, और डॉर्सल प्लेट के नष्ट होते ही गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ भी काम नहीं कर पाएगा। वहीं म्यूटो प्राइम की सबसे बड़ी शक्ति की बात करें तो वो है रिप्रोडक्शन की एबिलिटी। म्यूटो प्राइम अपने दुश्मन पर पैरासाइट छोड़ सकता है, जो कि बाद में अंडे बनकर और वो अंडे दुश्मन के शरीर में ही पलकर अंडों को हैच करके निकलने लगेंगे, और वो बच्चे दुश्मन के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी और आवश्यक लाइफ फोर्स को भी सोखने लगेंगे, जिससे किसी भी काइजू की धीमे और दर्दनाक मौत होगी। स्पेस गॉडजिला। स्पेस गॉडजिला गॉडजिला का ही क्लोन है, जिसकी उत्पत्ति अंतरिक्ष में हुई थी। अब कैसे हुई थी ये अभी तक सही तरीके से कोई बता नहीं पाया है, पर एक थ्योरी कहती है कि किसी तरह गॉडजिला के डीएनए के कुछ सैंपल स्पेस में फैल गए थे, जो बाद में म्यूटेट होके एक चमकते हीरे की तरह बन गया, और जब वो चमकता हीरा ब्लैक होल में प्रवेश किया, तब व्हाइट होल की तरफ से एक स्पेस गॉडजिला का जन्म हुआ। स्पेस गॉडजिला में इतनी काबिलियत थी कि इसने पल भर में ही नासा के सैटेलाइट को नष्ट कर दिया था। स्पेस गॉडजिला अंतरिक्ष में ट्रेवल करके सीधे धरती पर आ उतरा, और गॉडजिला को अपने ऑरा और कोरोना बीम से काफी परेशान किया, यहाँ तक कि इसे सभी काइजूज में सबसे अकलमंद मॉन्स्टर भी कहा जाता है, इसलिए ये पॉसिबल है कि ये गॉडजिला को हरा दे। डिस्ट्रॉयर। गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक नाम डिस्ट्रॉयर का भी आता है, जिसे सिर्फ एक मूवी और कुछ एपिसोड्स में ही दिखाया गया, और बाद में इसे मूवी फ्रेंचाइज से हटा दिया गया। अब हो सकता है कि इसे इसलिए हटाया गया क्योंकि ये काफी शक्तिशाली था, क्योंकि साल 1995 में आई गॉडजिला वर्सेस डिस्ट्रॉयर मूवी में इस मॉन्स्टर ने गॉडजिला को लेकर काफी ऊंचा उड़ गया और फिर उसे नीचे बिल्डिंग में पटक दिया, और गॉडजिला को अपने माइक्रो ऑक्सीजन रे से लगभग मार ही दिया। पर इंसानों की मदद से गॉडजिला ने बहुत ही मुश्किल से डिस्ट्रॉयर को मारने में कामयाब रहा। किंग कॉन्ग। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के रिलीज होने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि कॉन्ग कभी गॉडजिला को हरा नहीं सकता, लेकिन अगर आपने मूवी के क्लाइमेक्स को अच्छे से देखा होगा तो शर्त लगाता हूँ कि आप एक्स के साथ वाले कॉन्ग की एजिलिटी और पागलपन को देखकर चौंक गए होंगे, क्योंकि इसने कई बार गॉडजिला को लगभग हराने वाली पोजीशन पे लाकर खड़ा कर दिया था। इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी विफल कर दिया था, और जहां मेका गॉडजिला ने गॉडजिला को लगभग मारने ही वाला था, वहीं कॉन्ग ने गॉडजिला का साथ देकर मेका गॉडजिला को मार दिया था। तो अगर ये लड़ाई सिर्फ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच होती तो कुछ हद तक चांस है कि कॉन्ग गॉडजिला को हरा देता। किंग गिदोरा। गॉडजिला के सबसे शक्तिशाली दुश्मनों की बात करें तो इसमें किंग गिदोरा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि गॉडजिला अकेले कभी भी इसे मार नहीं सकता, यहाँ तक कि गॉडजिला किंग गिदोरा के वार से भी खुद को बचा नहीं सकता। किंग गिदोरा के पास वो सभी खूबियां हैं जो एक गॉडजिला के पास है, लेकिन इसके बावजूद भी किंग गिदोरा उड़ सकता है, बिजलियों की बौछार कर सकता है, खुद को गॉडजिला के मुकाबले काफी जल्दी से हील कर सकता है। ये गॉडजिला से भी काफी बड़े आकार का है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बिना मोथरा और न्यूक्लियर ब्लास्ट की सहायता से गॉडजिला कभी भी किंग गिदोरा से जीत नहीं सकता। हल्क। अगर ताकत को एक रूप या आकार दें तो उसमें हल्क बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। यह ऐसा पावरफुल सुपर जॉइंट है जिसके पास है कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। हल्क की ताकत का एक छोटा सा नमूना हमें तब देखने को मिला जब साल 2012 में आई द अवेंजर मूवी में हल्क ने एक ही मुक्के से लेविथियन को रोक लिया था, जिसका अनुमानित भार लगभग 30 लाख टन का था। यहाँ तक इसने अपनी आकार की परवाह किए बिना इस मॉन्स्टर के दांतों को पकड़कर झूल गया, और हल्क में डर नाम की चीज मानो है ही नहीं, क्योंकि इसे लगता है कि ये किसी से भी जीत सकता है, चाहे वो सामने सर्टर ही क्यों ना हो। लेकिन क्या इतनी बातें काफी है गॉडजिला को मारने के लिए? इसका जवाब है नहीं। लेकिन दूसरे बातों की तरफ ध्यान दे तो हल्क और गॉडजिला दोनों ही रेडिएशन को सोख सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहें तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हल्क जिस तरह से गामा जैसे खतरनाक रेडिएशन को सोख पाते हैं, शायद ऐसा गॉडजिला ना कर पाए। वही आकार की बात करें तो हल्क गॉडजिला के सामने भले ही चींटी के समान हो, लेकिन हल्क कई लाख टनों के जीव को भी मार सकता है,
और हल्क जितना गुस्सा होता जाता है इसमें ताकत और भी बढ़ती जाती है, तो ऐसे में हो सकता है कि हल्क गॉडज़िला को हरा दे। सर्टर। जैसा कि आप जान चुके हैं कि सर्टर एक फायर डीमन है जिसका पूरा शरीर आग की तरह जलता रहता है, इसलिए इस मॉन्स्टर को मार पाना और भी मुश्किल हो जाता है। नर्क का ये राक्षस गॉडज़िला से कई गुना विशाल है, साथ ही इसके पास इसका ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है जिसकी ताकत तले पूरा एस्गार्ड तबाह हो चुका था। यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड की मदद से ये पूरे प्लेनेट के साथ एक गैलेक्सी को भी नष्ट कर सकता है, तो ऐसे में गॉडज़िला इस स्वॉर्ड की मार को झेल नहीं पाएगा। अगर सर्टर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल ला भी करें फिर भी गॉडज़िला को अपने से ढाई गुना बड़े मॉन्स्टर को मार पाना, वो भी आग से जलता हुआ दानव को जिसकी तापमान से पूरा शहर जल सकता है, ऐसे में गॉडज़िला के लिए सर्टर से जीत पाना नामुमकिन हो जाता है। गॉडज़िला अर्थ। गॉडज़िला अर्थ दूसरे प्लेनेट में रहने वाला एक ऐसा शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने अनुसार ढाल लिया था। इस गॉडज़िला के पास कई ऐसी अन्य खूबियां मौजूद है जिसकी बर्निंग गॉडज़िला सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। यहाँ तक कि गॉडज़िला अर्थ की हाइट लगभग 1000 फीट का है जो नॉर्मल गॉडज़िला से काफी विशाल है। हालांकि वो बात अलग है कि बर्निंग गॉडज़िला इंसानों का रक्षक है, तो वहीं गॉडज़िला अर्थ इंसानों का भक्षक है। ईगो द लिविंग प्लैनेट। एमसीयू का ईगो एक सेलेस्टियल है जिसने खुद को एक प्लैनेट में बदल लिया था, और सेलेस्टियल होने की वजह से इसके पास लाइट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है। इसके अलावे इसके पास है एनर्जी, मैटर, बायोलॉजिकल को बदलने की शक्ति। अगर इसके आकार की बात करें तो ईगो अपने शरीर को जितना चाहे उतना विशाल कर सकता है और ये लाखों सालों तक जीवित रह सकता है। इसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की भी शक्ति है, तो ये चाहे तो गॉडज़िला को पल भर में ही टुकड़ों में बांट सकता है। यहाँ तक चाहे तो ये गॉडज़िला के शक्ति को छीन भी सकता है। गैलेक्टस। सिल्वर सर्फर ने कहा था कि गैलेक्टस आ रहा है और ये पूरे प्लेनेट को खा जाएगा, और इसका मतलब सचमुच में खाने से ही है। दरअसल ये एक ऐसा दैत्य है जो प्लेनेट का भूखा होता है, क्योंकि इसे ऊर्जा प्राप्त करने तथा जिंदा रहने के लिए प्लेनेट्स को ही खाना पड़ता है, क्योंकि इसका आकार इतना विशाल होता है जिसके सामने हमारी धरती एक सेब के समान लगे। लेकिन गैलेक्टस की एक खूबी ये भी है कि ये अपने आकार को छोटा या फिर बड़ा दोनों कर सकता है। ये खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि ये दूसरों को शक्ति देकर उसे अपना गुलाम बना सकता है, तो इसके पास गॉडज़िला पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगा। पैसिफिक रिम मॉन्स्टर। पैसिफिक रिम का ये मॉन्स्टर गॉडज़िला के साथ मुकाबले के लिए एक परफेक्ट राइवल है, क्योंकि इसका आकार 500 फीट तक बताया गया है। आकार के साथ साथ रिम मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि एक और जहां साल 1998 में आई गॉडज़िला मूवी में इंसानों ने गॉडज़िला को मेटल वायर की सहायता से कैद कर लिया था और उस पर लगातार मिसाइल फायर करके उसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन यह ट्रिक रिम मॉन्स्टर पर काम नहीं आती, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरह गया है जिस पर हथियार काम नहीं आते, पर कॉम्बैट में इससे जीत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।